नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास है। महाराजा हरि सिंह जी की जय हो, क्योंकि ये डुगर प्रदेश की आवासी है और इन्हीं की देन है कि आज हम गर्व से कहते हैं कि हम डुगर प्रदेश के निवासी हैं। और इस समय आप यहाँ के दृश्य बता रहे हैं, जिस तरह से कल की बात करें तो एमरजेंसी में धारा 144 लागू की जाती है, पर यहाँ पर तो बड़ा ही शांतिपूर्व सब लग रहा है। फिर भी उसके बावजूद अगले आने वाले 2 महीनों तक एमरजेंसी लागू कर दी गई है, यानी धारा 144 लागू कर दी गई है। हम इस स्टैचू के पास नहीं जा सकते, पर हाँ, जहाँ जो यहाँ पर बैठे हैं राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा के बैनर तले जो लोग बैठे हैं, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, वो तो हम तक आ सकते हैं। इसीलिए हम कानून के उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर लगाई है धारा, जनाब, हम पालन करेंगे। इस समय हमारे साथ राजपूत सभा के प्रधान, युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी जी है। हैप्पी जी, आप, हम तो नहीं आ पाए अंदर, क्योंकि बाउंड्री वाल लगा दी गई है प्रशासन की ओर से। तो हम भी नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा कदम करें जो कानून के खिलाफ हो, जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान के खिलाफ हो। पर ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की, कल से हम देख रहे हैं लोग भी कह रहे हैं कि हत्या की जा रही, क्या कहना आपका? मैडम, जब बॉर्डर बन गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मांगना जम्मू में गुनाह हो गया है। लेकिन हम मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। क्या पता वैसे हम उठ भी जाते, लेकिन जब तक 144 नहीं हटाएंगे, युवा राजपूत सभा यहाँ से नहीं उठेगी। खास करके मैं प्रधान, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक 144 नहीं, क्योंकि अगर अपना हक मांगना भी गुनाह है, तो वो गुनाह हम 100 बार करेंगे। एक बार नहीं, 100 बार करेंगे। महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी मांगना अगर गुनाह है, तो क्या बदनसीबी है रश्मि जी। चौथा स्तंभ मीडिया का, आपको आने नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों को डराया जा रहा है। अब लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जवाब दीजिए। अब मेरे को लोग फोन कर पूछ रहे हैं, देखो DC मैडम हमारी बहन है, लेकिन वो अत्याचार कर रही है, कर सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन पे भी दबाव है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही, इस तरह के फरमान जारी किए जाए। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से चलता है, लेकिन ये जो जज्बात है, जब डोगरों के आन और बान और शान की बात है, ये नीचे से ग्रोथ हो रही है। जैसे जैसे तारें बढ़ेंगी, पहरा बढ़ेगा, वैसे वैसे तादाद बढ़ेगी, लेकिन छुट्टी की मांग ढीली नहीं पड़ेगी। हाँ, हम कोई कमजोर कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। कानून अभी भी जिंदा है, लेकिन ये जो 144 राय बहुत ही गलती मैडम से करवाई गई है, जहाँ इन्होंने की है, मेरे ख्याल से इनसे करवाई गई है, ये नहीं करनी चाहिए थी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैडम जी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो, ये जम्मू के लोगों को दबाना बंद कीजिए। ये छुट्टी मांग रहे हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे। अगर हम PHE वालों के साथ जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, बार वालों को अलग से बोला जा रहा है, इनका साथ मत दीजिए। कौन लोग ये मना कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये आप सब लोग जानते हैं, जिनकी जमीन खिसकना शुरू हो रही है, वही ये सब कुछ कर रहे हैं। रात को एक डिबेट में पठानिया साहब से हमारी बात हो रही थी, पठानिया साहब बोल रहे थे कि आप BJP का नाम मत लीजिए। सर, जम्मू के लोगों BJP की वोट दिते ने, झोलियां भरी भरी है, जे BJP का नाम नहीं लेना तो कोदा नाम लेना? कोदा BJP ने जम्मू ने क्यों नहीं बोला जी? भावें झूठे मना कन्नै लोग आवा दे, फिर आज राती खाड़ा बना दा, भावें आदा कोई सच्चा, भावें आदा झूठा, लेकिन सारे राजनीति दल मन बेमन आखा छुट्टी दियो। क्या BJP के लोगों के टांगों में, जो हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, वो क्यों नहीं आ रहे खुल के? तो फिर क्यों कह रहे हैं कि, क्योंकि भाजपा ने तो वादा किया था 8 साल पहले कि महाराजा जी की छुट्टी मिलेगी, तो आज क्यों कह रहे हैं भाजपा का नाम नहीं लिया जाए? कल चंद्रमोहन शर्मा जी, जो हमारे चंद्रमोहन जी हैं, वो बोल रहे थे मैं जब भी जाता हूँ मेरे को इधर कोई नहीं, वो जहाँ तो बहुत लाइटें हैं। मेरे ख्याल से उनको भी अपनी आंखों को इलाज करवाना पड़ेगा। वो एक मीडिया प्रेमी को बोल रहे थे कि आपके घर का बल्ब खराब नहीं होता। मेयर साहब, खराब होता ठीक भी तो किया जाता है। अगर मेयर साहब तुम्हें दम है, यहाँ पर तो लाइट नहीं, हमने बड़ी बार दिखाया भी है। नहीं, आपने दिखाया, लेकिन मेयर साहब बोल रहे हैं नहीं, मेरे को दिखाई नहीं देता, आप ऐसे ही प्रोपेगंडा करते हो। इधर तो उन्होंने बर्फ भी यहाँ पर बर्फबारी। मैं मेयर साहब को बोलना चाहता हूँ, मेयर साहब, आपने, आपके जो 100% अगर आज तक किसी ने किसी चीज की हामी भरी है, तो वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है। आप 23 को बंद कर दीजिए, हम देखेंगे, मानेंगे आपको।
आप कर दो म्यूनसिपलिटी में, 23 सितंबर की म्यूनसिपलिटी में छुट्टी है, आप कर सकते हैं। लोगों को बलगाना छोड़ दीजिए। राजन जी क्या करेंगे, प्रशासन और सरकार को कोई असर नहीं हो रहा, क्या लगता है प्रशासन? 25 लाख जो वोटर बाहरी लोग हैं, नॉन लोकल हैं, क्या लगता है आपको उन्हीं का घुमा रहने के आप नहीं तो वो सही? देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, गृह मंत्री जी हमारे एलजी साहब को दिल्ली बुला के बातें कर रहे हैं। एलजी साहब श्रीनगर से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से श्रीनगर, जम्मू की बात कौन करेगा? जम्मू वाले लीडर कहाँ हैं? हम मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू के लीडरों को, आप क्यों नहीं बाहर आ रहे? किस बात का डर है आपको? केड़ी गल्ला डर लगेगा? ओ आज जम्मू जम्मू डोगरे डोगरे ना राग लापा दे, आज लभे ही नहीं है। और छुट्टियां पे दिया ना सारे इन्हें, गर्मी की छुट्टियां पे दी बीजेपी वाले 4-5 दिन दिया, और सारे लोग अंडरग्राउंड इधर बाहर गए, क्योंकि इस मुद्दे पर मीडिया ने गल करनी नहीं उन्हें, इसे करे सारे अंडरग्राउंड हो चुके थे। मैं सारे मीडिया प्रेमी आखूंग एक बार इन कोला पूछो तो सही कि बता तेरी रजा क्या है, अपने दिल की गल तो दसो यार। इतने आने अगर तो युवा राजपूत सभा को तो मतभेद है, अस नहीं सामने आते, और कम से कम एक पुला पर नहीं पारले पुला पर जाइएगा खिड़ो। अज 144 लगी दी है, लेकिन बड़े अफसोस की गल है साढ़े कन्या का 500 बंदा कट्ठा होगा ये साढ़े सामने, कोई 144 नहीं, 144 सिर्फ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे लेने वाले ने रोकने वाले ने लाई दी है, बाकी कुछ नहीं लगी दी है। इस करिए मैं आखना चाहूँ सारे लोगों की घर बेहिया सोशल मीडिया के थ्रू अपने अपनी फेसबुक के ऊपर महाराजा का इन्ना गुणगान करो इनिया कि ये सरकार मजबूर हो चुके हैं कि बाकिया स्कूल जड़े स्कूल कॉलेज अज हूँ ही रिपोर्ट आई है कि सांबा बाजार लोगों बंद करी ओड़िया, न्यू प्लाट बंद करी ओड़िया, तलाब चुल्लो बंद करी ओड़िया। मैं रघुनाथ बाजार एसोसिएशन ने आखना चाहूँ कि अगर रघुनाथ बाजार का जो ना है वह महाराजा हरि सिंह की वजह कन्नै उनका बुरा हाल करी ओड़ेदा, बाजार एसोसिएशन के जो लोग हैं उनका बुरा हाल करी ओड़ेदा, कदू लोगों बोलना है कदू? मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स का बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्हें सारा समर्थन किया था, मैं बार एसोसिएशन का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, एक एक जम्मू के लोगों का, खास करिए साड़ी भैन रश्मि हट्टिया जदों तोड़ी ये आवाज़ा चिंदन ये ने लोग जेड़े मीडिया चौथा स्तंभ जी साड़ी आवाज़ा लोगों तो पहुँचा दी, रब इनकी लंबी उम्र करें तो उनका भी बारे सोचा, जेडे जम्मू का गुणगान गाइए जम्मू के लोगों को वोट लेइए अपनी सियासत चमकई है, साढ़े मेयर साहब बटे बेचारे बड़े बड़ी लंबी उम्र होती भी लेकिन कतरा दे महाराज हरि सिंह की छुट्टी वास्तव, अगर रब चाहे थोड़ा नया वक्त कटो तो महाराज की छुट्टी का गुणगान जरूर करो। सर क्या कहेंगे भाजपा को अपनी कुर्सी लड़खड़ाती नजर आ रही, तभी भाजपा के 25 विधायक गए हैं समय कि कहीं ना कहीं आपका सामना नहीं कर पाते, वायदा किया था आप लोगों से तो कैसे किस मुंह से आपके साथ सामना करेंगे? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये कहावत आपने सुनी है, ऐसा ना हो जम्मू के भी ना रहे और दिल्ली से भी टांगे पड़े, होना भी ऐसा ही है हमें लग रहा है। लीडर वो होता है, पार्टी वो होती है जो अपने लोगों में चमके, ये अपने लोगों में नहीं चमक रहे, ये दिल्ली जाके चमक रहे हैं, इनको याद रखना होगा कि जम्मू में चमके, दिल्ली में चमकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जम्मू के लोगों में लोगों के मन में चमकें, आपकी इज्जत हमारे मन में है। अगर आप अच्छा काम, अगर आप लोग अपने आवाम के साथ नहीं हैं फिर किसके साथ हैं? आप दिल्ली जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के बातें कर रहे हैं, कल एलजी साहब वहाँ गए हैं, दो ही मुद्दों पे बात हुई है जैसे मीडिया में आया है, अंदर क्या बात हुई है अंडरग्राउंड वो हमें नहीं पता, लेकिन जो ओपन हुई है वो दो ही बातें हैं, पहली बात कि बीजेपी को चमकाना कैसे है यूएनओ में, ठीक है, उन्होंने कश्मीर का राग गाया फिर से और कितने आतंकवादी मारे कितने पकड़े, पहला नंबर। दूसरा, बीजेपी की फंडिंग कहाँ से होनी है? फंडिंग होनी है कमीशन से, सीधी सी बात है। उन्होंने पूछा कि कितने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं कहाँ पहुँचे हैं, उसका क्या मतलब है प्रोजेक्ट्स का? दुनिया भूखी मर रही है और इनको प्रोजेक्ट्स की बड़ी है, क्योंकि कमीशन तो प्रोजेक्ट से आएगी ना, यहाँ से नहीं आएगी। ये जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वही तो हैं, जम्मू का कौन सा ठेकेदार है? सब ठेकेदार बाहर के हैं, तो इनको वहाँ से जो प्रेशर है
ये वही पूछ रहे हैं। बाकी हम बड़ी जल्द 23 सितंबर को इस बारी जो हमारे 25 MLA हैं पूरी युवा राजपूत सभा के साथ जितना भी युवा हैं मिलके हम इनको एक बम्पर गिफ्ट देने जा रहे हैं। 25 MLA के घर जाएंगे, उसमें हमने एक जनता को तो मिला नहीं, अब जनता दे, अब हम इनको बंडल दे रहे हैं। उसमें हमने सतरंगी चूड़ियाँ होती हैं ना, वो सतरंगी चूड़ियाँ जो है वो पैक करवा ली हैं, स्पेशल चूड़ियाँ, वो इनके घर घर जाना है और इनको गिफ्ट देनी है और इनको बोलना है चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाइए, क्योंकि ये चूड़ियाँ पहनने के काबिल हैं। अगर ये सच्चे जम्मू के लोगों के भक्त होते, जम्मू के लोगों से प्यार करते, डोगरा समाज से प्यार करते, तो आज यहाँ महाराजा हरि सिंह के यहाँ पे हमारे साथ बैठते, क्योंकि ये हम लोगों को डोगरों को प्यार नहीं। एक सवाल आपसे जरूर करेंगे, सवाल थोड़ा कड़वा तीखा होगा, पर हमारा नहीं जनता का है। जब हम ये वीडियो करते जनता लिखती है कि युवा राजपूत सभा बाकी सारे संगठन के सियासी लोगों ने भी समर्थन किया, हरि सिंह जी के वंशिक, महाराजा हरि सिंह जी के वंशिक क्यों चुप्पी साधे हुए? देखिए इस बात की हम भी अफसोस जाहिर करते हैं कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है। उनकी हो सकता है कोई पॉलिटिकल मजबूरियां हो, हम तो खुले आसमान के खुले परिंदे हैं, हमें कोई मजबूरी नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम डोगरा हैं, जम्मू का आवाम है। पर ये स्वाभिमान की बात, हमारे महाराजा जी की स्वाभिमान की बात है, तो परिवार ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? देखिए ऐसी मैं ये नहीं कह सकता कि सारे परिवार ने चुप्पी साधी हुई है, हमारे को टेलीफोनिकली हमारी बात हुई है, हमें समर्थन मिला है, हमें उनके पूरे परिवार से नहीं मिला लेकिन उनके कुछ सदस्यों से हमें समर्थन मिला है, और बहुत जल्द वो चेहरा सामने भी होगा और मीडिया भी देखेगी, बाकी वक्त आने दो, अभी हम दिखाएंगे उनको। देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी जो डुग्गर प्रदेश की शान है, हर एक इनके स्वाभिमान की आज लड़ाई लड़ी जा रही है, और यही स्टैचू यानी यही तस्वीर आपको भाजपा हेडक्वार्टर के जहाँ पर रविंद्र राणा जी बड़े बड़े भाषण देते हैं उनके पीछे मिलेगी। पर छुट्टी देने में आपत्ति जरूर है, डोगरा कार्ड आप खेल रहे हैं पर छुट्टी देने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये विरासत हमारे महाराजा की देन है। जी सर। मैडम जी, LG साहब यूपी से आकर हमारे ऊपर डोगरों के ऊपर अगर ये सोच रहे हैं हम डोगरों को दबा लेंगे, इनकी गलतफहमी है। यहाँ महाराजा हरि सिंह के चरणों के नीचे हम प्राण त्याग देंगे, पर हम अपनी छुट्टी अपना हक लेकर छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें BJP का भी रोल होगा, चाहे किसी और तबके का रोल होगा, कश्मीर के नेता से डरते हैं, पर मैडम जी हमारी जान चली जाएगी। प्रधान साहब ने बोल दिया है, प्रधान साहब ने बोल दिया कि छुट्टी हम लेकर छोड़ेंगे, यहाँ से इन्होंने धारा 144 लगा दी, हमें उसका कोई डर नहीं है, हमें अफसोस इस चीज का है। DC मैडम, हम उस दिन रात को गए आराम से, हमने पीसफुल हमने सोचा, बात हुई, यहाँ पर आए, हमारे साथ बात किया, उसके बाद इनको क्या ऐसा साफ सूख गया कि हाँ जी इनका 144 लगाकर इनको जैसे मर्जी इनका अनशन खत्म कीजिए, एक तरह से बात की जाती है और दूसरी तरफ फरमान जारी किया जाता है। इनका कोई स्टैंड नहीं है, या ये वही लग रहा है कि वहाँ के कश्मीरी नेता इनको दबा रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इनका अनशन तोड़ो। पहले यही भाजपा थी ना जो कहती थी कि कहीं ना कहीं परिवारवाद चल रहा है, कश्मीर नेता जो कश्मीर पार्टी बेस्ड नेता वो हम पर हावी हैं, आज यही भाजपा उन्हीं की बोली बोल रही है, ये चल क्या रहा है समझ हमें नहीं आ रहा। यही या तो इन्होंने मैडम जी यहाँ के नेताओं ने उनके आगे घुटने देख दिए, LG साहब के आगे घुटने देख दिए, LG साहब जो कहते हैं, पर मैं एक आपको LG को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दीजिए, हमने कल भी बोला था, आज भी बोले, हमेशा बोलेंगे, हम डोगरे हैं, हम अपना हक ना प्यार से मांगते हैं पहले, उसके बाद अगर नहीं मिले, जैसे कहते हैं सोए हुए शेरों को जगा रहे हैं ये LG, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हम इस पे ना गर्दन तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जिन्होंने हमें तिरंगा उठाने का अधिकार दिया, आज भी हम भारत माता की जय सबसे पहले बोलते हैं, पर ये इसके दिमाग में पता नहीं क्या गलतफहमी है, चंद कश्मीर के नेता उनके आगे घुटने टेक दिए SLG ने, और हमें महाराजा हरि सिंह पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा वर्ग, हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। फिर इसको LG को क्या साफ सूख जाता है, जो अभी तक क्यों नहीं, कल गया था ये दिल्ली, क्यों नहीं बोला वहां पर, क्यों नहीं इसने बात रखी, हम यहाँ भूखे प्यासे धूप में सड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमें टेंट तक नहीं लगाने दे रहा है,
फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, हम ऐसे गांधीवादी लोग हैं, हमने महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे हम प्राण त्याग देंगे, पर हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमें हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के डोगराओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलेगी, हम यहाँ से उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, धारा 144 लगा दो, कुछ भी लगा दो, हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। जे हम यहाँ के वहाँ के कश्मीरी जितने भी है एलजी झूठी सरकार, पर हम छुट्टी लेकर छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम छुट्टी लेकर छोड़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एलजी गो बैक गो बैक गो बैक। आपने देखा किस कदर गुस्सा है इन युवाओं में, देशवास सच्चे देशभक्त है भाई मेरे, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अब छुट्टी होनी चाहिए, जय बीजेपी भाई कहते हैं मैं जम्मू, हम जम्मू के डोगे है, बाकी कहाँ के डोगे, आज डोगे की बात है, जम्मू में कितने डोगे है, कितने राजपूत है, कितने सिख है, कितने मुसलमान, बहुत अभी जाते हैं, माया हरी सिंह की छुट्टी होनी चाहिए, नहीं देंगे जो डोगे हैं सिख है, जो दाम पे आ गए थे पता क्या करेंगे, ना बीजेपी को वोट मिलेगा ना बीजेपी द्वारा आएगी, क्यों बीजेपी ने आज मांग की है देवी भी मनी करी है, क्यों बीजेपी ने दे जाती थी डोगे को प्यार मिले, हम डोगे जो प्यार के चिक रापूटा प्यार के देखो पता मारी है, कभी हिंदू के साथ कभी सिख के साथ कभी मुसलमान, मैं मैम आप मीडिया वाले हो, आप क्या चाहते हो, आप कहते हो हम जम्मू के डोगे हैं, आज बीजेपी का जम्मू के डोगा कहाँ गया, मर गया बीजेपी का डोगा, मर गया बीजेपी को वोट आया, आज बीजेपी का गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया, मैं हिंदू भाई कितने गरीब है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग वो डोगरे जो कहते थे डोगरे मर गए, इनकी शब्द है कहा, और साफ तौर पर अब राजपूत युवा राजपूत सभा के बैनर तले जिन जिन संगठनों ने जिन जिन सियासी लोगों ने सपोर्ट दिया है, धारा 144 लगने के बाद भी इनका साफ तौर पर कहना है कि अब ये चिंगारी आग बनकर भड़क चुकी है हर एक जम्मू के हर हर कोने में, अब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेकर ही रहेंगे, पीछे हटने वाले ये नहीं, एक धारा 144 नहीं कई धाराएं आप लगा दें, क्योंकि बात अब महाराजा हरि सिंह जी के स्वाभिमान की है, डोगरों की बात है, अब डोगरों के मान सम्मान की बात है, और जब मान सम्मान की बात आती है तो डोगरे पीछे नहीं हटते, बार बार ये सियासी लोग हमेशा डोगरा वोट खेलते आए हैं, डोगरा कार्ड खेलते आए हैं, हमेशा इन्होंने डोगरों को ठगा है और डोगे ठगते आए हैं, पर अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाएगा, डोगरा कार्ड नहीं खेला जाएगा, चाहे जितने मर्जी आप वायदे कर ले, अब सवाल ये है जब तक छुट्टी नहीं तब तक वापसी नहीं, ये लोग यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, आपने कुछ कहना है सर? मैं यहाँ पर बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, बार एसोसिएशन सबसे पहले आपसे एक सवाल जाना है, धारा 144 जो यहाँ पर लगाई गई है एज पर लॉ, आप कानून के दाव पे बड़ी बांधी जाती है, क्या ये सही लगाई गई है? मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर बात करूँ आपके, धारा 144 कहाँ लगाई जाती है, धारा 144 हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक इतिहास है, या कोई इमरजेंसी हो धारा 144 लगाई जाती है, यहाँ पर कोई कर्फ्यू लगाना हो जैसे बम बम बोले के टाइम पे धारा 144 लगाई गई थी, अभी कोरोना काल में धारा 144 लगाई थी, मुझे ये बताओ क्या वॉर लाइक सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में अभी जी। क्या ऐसा कुछ आपदा जो है वो जम्मू में आ चुकी है जिसकी वजह से 144 लगाया गया है, क्या कोई इमरजेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में घोषित कर दी है जिसकी वजह से 144 लगाया गया है, हम डोगरे जो है यहाँ पर तवी पुल पे खड़े होके महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, ये उसी की छुट्टी मांग रहे हैं जिनकी ये स्टेट है, आप लोग जो बाहर से आके जम्मू यूपी बिहार के बिहार से आके यहाँ पर अपना वर्चस्व बना रहे हैं और जम्मू के डोगरों के ऊपर 144 लगवा रहे हैं और उनको रोक रहे हैं प्रोटेस्ट करने से, ये टोटली निराधार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल है, कानून के लिहाज से सही नहीं है, कानून के लिहाज से मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि 144 जो है 144 जो है वो अगर देखा जाए पिछले 75 सालों में सिर्फ दो या तीन बार या चार बार लगाई गई है, या तो कर्फ्यू में लगाई गई थी बम बम बोले के टाइम पे, इमरजेंसी के दौरान लगाई गई थी,
ये कोरोना काल में लगाई गई थी, और आज मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी आपदा जो है वो जम्मू में आ चुकी है, ऐसी कौन सी जो है वो इमरजेंसी लगा चुके हैं कि इतना बड़ा जो है वो आपदा हो चुकी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो चुकी है जो धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, डोगरे अपना हक मांग रहे हैं, मांग किसके लिए रहे हैं, हम अपने महाराजा साहब के लिए, उनके नाम की छुट्टी मांग रहे हैं। हो गया कि मीडिया कर्मी भी इस बाउंड्री के अंदर नहीं आते। ये भी मैंने सुना कल की जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मुझे पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया, मैंने उनको पूछा मुझे आप अपना ऑर्डर बताइए अपनी लवासा जी का जो डीसी है, मुझे ये नहीं पता कि वो आईएएस कैसे बनी है, अगर वो अपना ऑर्डर जो है वो फिर से पढ़ ले, मुझे लगता है कि उनको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। उन्होंने बोला 144 जो है चारों पुल पे लगाई गई है, इन एंड अराउंड फोर ब्रिजेस, और अराउंड एरियाज को उसमें जो है वो स्टैचू आता है या नहीं, अराउंड एरियाज जो है वो स्पेसिफाइड है कुछ मीटर्स के लिए आता है, यहाँ से जो है वो तभी ब्रिज कम से कम भी 50 मीटर की दूरी पे है, क्या ये एरिया कवर करता है उसमें स्पेसिफाई किया उन्होंने, यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है, इवन की मीडिया कर्मी जो है उनके ऊपर कोई धारा 144 नहीं लगती है, उनके ऊपर कुछ नहीं लगता क्योंकि इट इज अ डेमोक्रेटिक फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, और मीडिया कर्मियों तक को रोका जा रहा है यहाँ पर आने के लिए, ये कौन सा जो है मुझे लग रहा है कि कौन सा जम्मू जम्मू ये जम्मू मुझे लगता है डिक्टेटरशिप जो है, जो जर्मनी में जर्मन्स को उसको हिटलर को डिक्टेटर कहा जाता था, तानाशाह कहा जाता था, और आज जम्मू कश्मीर में ये एलजी जो है, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये भाजपा सरकार यहाँ पर डिक्टेटरशिप कर रही है। आज पीएचई वाले जो है वो स्ट्राइक पे है, होमगार्ड वाले स्ट्राइक पे है, डेली वेजर्स स्ट्राइक पे है, ये एनएचएम वर्कर जिन्होंने कोरोना में इनका साथ दिया वो स्ट्राइक पे है, डोगरा कम्युनिटी स्ट्राइक पे है, बार एसोसिएशन हमारी पूरी स्ट्राइक पे है। मुझे बताइए आप कौन सी सरकार चला रहे हैं, बोलते हैं बार बात करते हैं जम्मू कश्मीर आफ्टर एप्रोग्रेशन ऑफ 370 इज नॉट स्टेबल, हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड दैट आफ्टर एप्रोग्रेशन ऑफ 370 जम्मू कश्मीर इज नॉट स्टेबल, कहां से आप बात कर रहे हैं, पूरे तत्व जो है सारे लोग जो धरनों पे हैं, सारे लोग सड़कों पे हैं, और आप बोलते सब कुछ ठीक है जम्मू कश्मीर में, कहां से ठीक है मुझे ये बताइए, 144 जो है मीडिया कर्मों में कैसे लागू होते मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ बता दीजिए मुझे, और उन्होंने बताया कि 3 मंथ के लिए 144 जो है वो लगाई गई है, 2 and 3 months उससे आगे 3 में लिखा हुआ है, 144 2 मंथ के ऊपर लगती नहीं है, कैसे उन्होंने 3 मंथ लिख दिया वहां पर, और 144 लगाई क्यों है, क्या यहाँ पर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, कोई कोरोना यहाँ पर शुरू हो गया, कोई ऐसी वॉर सिचुएशन बन चुकी है, कोई आपदा आ गई, मुझे ये तो बताएं रीजन क्या है 144 लगाने का। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे जम्मू के डोगरों को, ये टोटली जो है वो तानाशाही चल रही है हमारे जम्मू प्रदेश में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, भाजपा द्वारा, मैं भाजपा का भी नाम लूंगा, बेशक भाजपा की सरकार नहीं है, चुप रहना भी अपराध है, अगर अपराध के खिलाफ बोलना नहीं बोलना भी अपराध है, और चुप रह के सहना भी अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है, और भाजपा सरकार अभी वो अपराध कर रही है जम्मू के डोगरों के साथ, जो कहते हैं हम डोगरा को हम जम्मू के हित में बात करते हैं, वो भी चुप करके अपने एसी वाले दफ्तरों में बैठे हुए हैं, और वो सबसे बड़ा जिम्मेदार भाजपा सरकार है यहाँ पर। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये धारा 144 वहाँ लगाई जाती जहाँ पर इमरजेंसी हो, और ऐसी कौन सी आपदा और इमरजेंसी आन पड़ी थी जो धारा 144 को लागू करना, और कहीं नहीं साफ तौर पर डीसी जम्मू अवनी लवासा जी के लिए ये आदेश है, यहाँ पे एडवोकेट साहब बैठे क्योंकि कानूनी दाव पर भली भांति जानते हैं कि क्या ये सही था, इन्होंने भी कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ये धारा 144 को यहाँ पर चारों ब्रिजों पर लागू करना, ताकि ये लोग अपनी आवाज़ को सामने ना ला सके, बंदिश है या यूं कहें तानाशाही चल रही है, और आखिर क्यों चुप्पी साधी है भाजपा के नेताओं ने, उन 25 विधायकों ने जिन्होंने जनता का विश्वास जीता था और आज विश्वासघात कर रहे हैं। सवाल बड़ा यह है कि महाराजा एक के नहीं, पूरे जम्मू के महाराजा जी हैं, वो हर एक के हैं, और हर एक जम्मूवासी जो आज कहता है शान से हम डोगरे हैं, हम डुगर प्रदेश के वासी हैं, तो इसी महाराजा की देन है, तो आज फिर क्यों महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं दी जा रही, ये आंदोलन अब चलता रहेगा। युवा सभा के प्रधान ने साफ तौर पर कह दिया जान चली जाएगी पर अब पीछे हटना मुश्किल है, महाराजा जी की छुट्टी लेकर रहेंगे। आपका क्या कहना है इस विषय में, अपने सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।